3, 2, 1, let's go. Hello, assalamualaikum. My name is Mohammed Ali and you're watching I Am Bilal. थोड़ा सा फर्क महसूस हो रहा होगा आपको कैमरे का, थोड़ी सी आवाज बेहतर लग रही होगी, ठीक है ना। छोटे छोटे से फर्क से ना क्वालिटी तो बेहतर होती है लेकिन सेटअप बहुत बेहतर लग रही होता है। खैर, जैसे न्यू सेगमेंट कह लें या प्लेलिस्ट कह लो, जो भी कहना कह लो, इसमें अब लोग बुक्स कोई ना हर मंथ में कुछ बुक डिसाइड करेंगे, पहले खुद मिलके आप भी पढ़ना हम भी पढ़ेंगे, फिर उसको हर मंथ के बाद उसको हम डिकोड करेंगे वन बाय वन के भाई इसमें क्या कहा, तुम्हें क्या समझ आई, ये फलाना फलाना। आज हम शुरू करेंगे अपनी बुक से, ठीक है, द सर्टेन अनसर्टेन से। तो आज हमारे साथ हैं जेब अली भाईजान, ठीक है। जेब अली ने मुझे एक दफा होस्ट किया था पॉडकास्ट में, और जेब अली वन ऑफ दोस पीपल जो कि मेरी वीडियोस बड़े मोहब्बत से देखते हैं। तो हमने कहा, इन्होंने मुझे आइडिया प्रेजेंट किया कि हम ये करते हैं, तो मैं कहा डन करो इसको, हम मंथली सीरीज करते हैं, हम हर मंथ में कोई बुक पहले खुद डिसाइड करेंगे फिर उसको हर मंथ के बाद डिकोड करेंगे। तो आज हमारी बुक जो हम डिकोड कर रहे हैं वो है द सर्टेन अनसर्टेन, यू कैन बाय द बुक, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। खैर जी सर, शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, ये बताओ तुम्हारा हफ्ता कैसा गुजरा है? हफ्ता कैसा गुजर रहा है गुजरा है कोई बहुत। वहाँ पे अभी क्या सैटरडे है ना? सैटरडे रात हो गया, सैटरडे रात। तो जो पूरा हफ्ता जो गुजरा है अभी, किस तरह कैसा गुजरा है? बस सही, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन गया। कोई बहुत प्रोडक्टिव नहीं किया लेकिन सही है, करम अल्लाह का। और उस हफ्ते में ये बुक कितनी दफा इम्प्लीमेंट की है? बुक कितनी दफा इम्प्लीमेंट की है? बुक अल्हम्दुलिल्लाह करने की पूरी कोशिश की है इम्प्लीमेंट। अच्छा, जो मुझे समझ आई है ना इस बुक की, हाँ जी, ये है कि सारी जो गेम है ना वो एक दिल की और दिमाग की है, अपने जज्बात पे जिस बंदे ने काबू पा लिया ना, ठीक है। हमारे होते हैं जज्बात रिएक्शनरी, ठीक है। सिचुएशन आती है, हमें पता नहीं होता कि हमने रिएक्ट किस तरह करना, हमारे जो इमोशन है वो हमें ओवरराइड कर देते हैं और हम कर देते हैं रिएक्ट। लेकिन इस बुक में ये बताया है कि जो अनसर्टेन है वो ना वो जिंदगी है, लाइफ जो है वो बहुत अनसर्टेन है। उसमें सिर्फ एक ही सर्टेनिटी है कि आपने अपनी अपने मुश्किलात को, अपनी जो आपके साथ जो आप बीती होती है उसमें आपने रिएक्ट किस तरह करना है, ठीक है। और वो जो रिएक्शन है वो आपकी इमोशंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो मुझे ना बहुत सारी स्टोइसिज्म की फिलोसफी जो है ना इसमें नजर आई है, मुझे बहुत सारी चीजें इस तरह इसमें कॉन्टेम्प्लेट हुई है कि जो वेरियस फिलोसफीज है ना डिराइव की गई है, जैसे स्टोइसिज्म हो गया नंबर वन, स्टोइसिज्म हर जगह नजर आया। दूसरा इस्लाम हो गया, ये जो बहुत सारे ये हैं बहुत दो बड़े कंपोनेंट्स इस बुक के। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपने ये बुक लिखना कब शुरू की, क्यों शुरू की, और इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है? बुक लिखना कब शुरू की? बुक लिखना मैं तब शुरू की जब ना 2020 काफियों के लिए बड़ा एक ना डिस्टिंग्विश ईयर है, कि भाई कुछों के लिए अच्छा कुछों के लिए बुरा, लेकिन ना एक बड़ा प्रॉपर थोड़ा स्टैंड आउट ईयर है, थोड़ा रेलिवेंट ईयर है। 2020 द ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी एज अ कम्युनिटी। 2020 में मेरे वालिद साहब को डायग्नोज हुआ था कैंसर, तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल में कोई 19 to 20 डेज रुका, हॉस्पिटल भी था। फिर मैं हॉस्पिटल में था, उससे पहले मुझे कोई ख्याल नहीं था बुक लिखने का। एक दफ़ा मैं सोचा था पहले, बहुत पहले, तो नावल लिखूंगा कोई, वो नावल शोहल तो खैर कहाँ लिखना गया, वैसे ही ख्याल ना बन आया और चला गया। खैर मैंने पहले एक बात तो कर लो, खैर नावल और बुक में ये फर्क है, नावल इज अ मोर ऑफ द फिक्शन टाइप, ठीक है ना, इसको जो कहानी टाइप, लंबी कहानी, कहानी तो है। नॉवल इज मोर ऑफ यू एंड योर क्रिएटिविटी, और ये जो है ये आपकी आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। जिस तरह की मैंने बुक लिखी है, मैंने लिखी है द सर्टेन अनसर्टेन, ठीक है ना, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से, थोड़ी अपनी स्टडी से, रिसर्च से, वेयर नॉवल जो होती है वह मेरी क्रिएटिविटी को चैलेंज करके लिखी जाएगी। एनी हाउ, मैं क्या ये रहा था कि मेरे वालिद साहब जो थे उनको डायग्नोज हुआ स्टेज 4 कैंसर, और मैं 20 डेज हॉस्पिटल में रहा। 20 डेज में हॉस्पिटल में रहा तो हर आवाज़ें क्या आ रही हैं कि आज के 1000 केसेस हो गए, आज इतने लोगों की वफात हो गई, कुछ रिश्तेदारों वगैरह में भी आ रही हैं कि हमें कोरोना हो गया, ये हो गया, मतलब ना एग्जाइटी, बड़ा एंग्शियस माहौल था, सराउंडिंग थी। कोरोना की पीक पर जब कोई घर से बाहर निकला था तब मैं हॉस्पिटल में था, ठीक है,
और मुझे भी बड़ी एज अ टीनेजर 18 ईयर्स ओल्ड का था उस टाइम पे, मैं अगले महीने मेरी बर्थडे थी तो मैं 19 का हो रहा था। एज अ 18 ईयर ओल्ड टीनेजर मुझे खुद बड़ी एंशियसनेस हो रही थी, बड़ी एंगजाइटी हो रही थी, यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे घबराहट हो रही थी, परेशानी हो रही थी, डिप्रेशन हो रहा था, कुछ हो रहा था। लेकिन उस मोमेंट मैंने एक चीज़ रियलाइज की और वो चीज़ जो है ना वो लिटरली पूरी बुक का मजमूआ है। वो चीज़ मैं ये रियलाइज की यार मैं अभी अगर सैड हूँ, मैं भी सैड हो जाऊँ, मैं भी डिप्रेस हो जाऊँ, इट्स नॉट अबाउट कि मेरे इमोशंस क्या रियल हैं या नहीं है, व्हाट आई फील इज रियल और नॉट एंड शुड आई एक्सप्रेस इट और नॉट, ये वाली बात नहीं है इसमें। इसमें बात की कि व्हाई शुड आई एक्सप्रेस इट, ठीक है ना, मुझे ये हो रहा है, ठीक है हो रहा है, ठीक है ना, कोई इस पर डिनाई नहीं कर रहा। मुझे अक्सर लोग कहते हैं भाई हमें एंग्जाइटी है तो क्या मतलब एंग्जाइटी से बच जाए, एंग्जाइटी आपको हो रही है, एंग्जाइटी इज रियल, कोई इसमें डिनाई नहीं कर रहा, इट जस्ट कि एंग्जाइटी अब हो गई है, अब हो रही है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि अपने एंग्जाइटी को फाइट करके वो चीज़ करनी है जो कि आपके वहाँ पे वो है। इस तरह फॉर एग्जांपल वहाँ पे मेरे जब वहाँ हॉस्पिटल में था, मुझे मेरे घरों से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई आप जो इर्द गिर्द से थोड़े बहुत काम होते हैं काम करो, और मॉरली ठीक है ना, मॉरली सबको ऊपर रखो। अगर मैं खुद एंशियस हो जाऊँ, ठीक है ना, जो कि बाय द वे सही है, मुझे मेरे इमोशंस वर रियल, लेकिन मैं अगर खुद एंशियस हो जाऊँ, ठीक है, देन व्हाट्स द पॉइंट। तो इससे मैं रियलाइज हुआ कि भाई एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू कंट्रोल आवर इमोशंस। इसमें लोग केस आता बात आती ही नहीं कि भाई वर दे रियल और वर दे नॉट रियल, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि तुम्हारे इमोशंस हैं, यू आर द सेलर ऑफ योर शिप, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू फाइट इट, यू नीड टू हैव अ कंट्रोल ओवर इट। मैंने जब वो पढ़ी ना वो मैं यहां पेज 17 पे है, वो ग्रीफ लूप के बाद है वो पैराग्राफ, वो कैंसर वाला। तो मुझे उसमें ना याद आया कि एक रोमन एम्परर था मार्कस ऑरुलियस, वो स्टोसिज्म का ना बड़ा बड़ा शानी था। वो कहता था कि बंदे ने अगर जिंदगी जीनी है तो वो स्टोसिज्म की जो फिलोसफी है ना, वे ऑफ लाइफ है, उससे वो जिए। तो उसको ना खबर आई एक दफा जंग में ना उसका जो बेटा है वो आगे जाके ना वो मर गया, तो उसकी लाश ये वापस। तो अब बाप है, ठीक है, चल रोमन एम्परर ठीक है जो भी है, लेकिन एक एक बंदे का जब तो चलो यहाँ पे तो बाप मरते हैं ना बेटों के, वो तो चलो एक नॉर्मल सी चीज है कि आपने आगे अपना लीनिएज कैरी करना है। जब एक बंदे की औलाद उसमें मरती है, वो भी जंग में वापस आती है, ऊपर जंग भी चल रही है, ऊपर से उसके पास रोमन जो एम्पायर से संभालना है उसको, ही वॉज द लास्ट ऑफ द फाइव गुड किंग्स, ठीक है। तो उस बंदे की जो लेनी टेंशन थी वो इतनी थी कि, लेकिन उसने फिर भी मैनेज कर लिया, उसने फिर कहा कि मुझे पता था ये दिन आएगा, उसने पहले प्रिपेयर किया हुआ था, प्रीएम्प्ट किया हुआ था कि मेरे बेटे ने मरना है, अगर ये दिन आ भी सकता है, जरूरी नहीं है कि मरे, लेकिन अगर वो मर गया तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मुझे पता है कि ये दिन आएगा। तो बिकॉज ही वॉज रेडी विथ हिज इमोशंस टू डील विद दैट सिचुएशन, तो उसकी जो थी ना वो दुनिया वो एकदम चकनाचूर नहीं हुई, ठीक है। अजी सर आपके अबू हॉस्पिटल में थे, कैंसर का उनको वो डायग्नोस चल रहा था, वो ट्रीटमेंट थी जो भी था। तो इस सिचुएशन में जो आमतौर पर बंदे होते हैं ना, वो आपने वो काम नहीं किया, आमतौर पर बंदे होते हैं वो रो पड़ते हैं, लाइक उनको पता नहीं होता हमने हैंडल किस तरह करना है, वो फिर दे गेट फ्रैंटिक, ठीक है। तो वो फिर सिचुएशन को हल नहीं, वो सिचुएशन को मजीद बिगाड़ रहे होते, ठीक है। अब एक बंदा वहां पे अंदर आईसीयू में पड़ा हुआ है और बाहर के क्या नाम, एक क्यामत अंदर चल रही है, एक क्यामत बाहर चल रही है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरह की एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप पे बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर है, तो अगर आपने वहां पे हाथ धर ली और आपने भी अपना विक्टिम सिंड्रोम ऑन कर लिया, तो उससे लोगों की हेल्प नहीं होगी, उससे लोगों की क्या नाम है वो ज्यादातर ना वो ये होगी कि यार ये बंदा जो है ये मजीद बिगाड़ रहा है सिचुएशन को, ठीक है। तो एक मुझे और बात भी याद आई थी कि डू यू नो जॉर्डन पीटरसन, जॉर्डन पीटरसन ने उसने एक एक बात की थी कि जिंदगी के जितने भी तुम्हारे गोल्स हो ना, बाय द वे हिज बुक इज 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू चाओस, वो अगर आपको पढ़नी हो तो पढ़ लेना। उसने कहा कि जिंदगी के जितने भी हैं ना आजमाइशें, जितने भी गोल्स होंगे तुम्हारी जिंदगी के, उसमें एक गोल ये होना चाहिए कि जिस दिन तुम्हारे अब्बू ठीक है वो दुनिया से चले गए और फ्यूनरल हुआ, तो आपने उस फ्यूनरल पे सबसे इमोशनली स्टेबल और सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान बन के ना वहां पे रहने, क्योंकि क्योंकि आपके अब्बू सब कुछ संभालते थे,
हमारी सोसाइटी में ना जो होते ना पेट्रियार्क घर का, वो अब्बू होते या बड़े दादा होते हैं, ठीक है। वो जब बंदा चला जाता है तो घर में ना एक क्यामत बर्पा हो जाती है और सारे जो फ्रेंटिक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप वो बंदे बन सकते हो ना कि जो अब आगे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, यू आर द लीडर नाउ, यू कैन लीड, पीपल कैन लुक टू यू, ठीक है। तो फिर इस एक तो आपकी हौसला अफजाई होगी, ठीक है, आपको जो आप पे जो क्यामत टूटी आपके घर पे उसको फेस करने का आपके पास रेजिलियंस आ जाएगा। तो ये सारी ये बात छुपी हुई है कि आपने अपने जो इमोशन है ना उनको किस तरह आपने टैकल करना है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। डोंट लेट द सिचुएशन डिक्टेट योर इमोशंस। आप सिचुएशन को देखो, मेरे साथ क्या हो रहा है उसको असेस करो, उसमें फिर अपना अब मैंने इसको रिएक्ट किस तरह करना है, ठीक है। ये मुझे एक वो जब वो कैंसर वाला मैं पैराग्राफ पढ़ा ना उसको मैंने रिलेट किया स्टोरिसिज्म, तो मेरे ना ये ख्याल आते उसके बारे में। स्टोरिसिज्म की तो बात है, मैं बताता हूँ आपको एक स्टोरी। जंगे उहद हुई, ठीक है, एक खातून थी, जंगे उहद वाहिद वो जंग है इस्लाम की, स्पेशली मुस्लिम के मतलब दौर में, मुस्लिम काफी देर तक, ठीक है ना, मैं चार खुलफा की बात कर रहा हूँ, अभी इस एरा की बात कर रहा हूँ। और जंगे उहद वाहिद वो जंग थी जहाँ पे ना मुसलमानों को अच्छी खासी मतलब ना वो पड़ी थी, अच्छा लफ्ज़ ढूंढने दो, रिप्रोकेशंस का सामना करना पड़ा था अच्छा खासा, ठीक है। और उसमें गलती मुसलमानों की ही थी, ठीक है ना, वो एक बड़ा लंबा वाक्य है, मुस्लिम ने पहाड़ पे खड़े किए आर्चर्स कि तुमने हिलना नहीं है, वो हिल गए थे मालिक नीमत की वजह से, खैर वो लंबा वाक्य हुआ। ये वहाँ पे उसमें बड़ी शहादत हुई, उसमें हजरत हमजा इब्ने अबुल मुत्तलिब भी शहीद हुए। एक सहाबिया थी, सहाबिया खातून, उनका बेटा, भाई, मेरे ख्याल से मियाँ, ये तीनों शहीद हो गए उस जंग में, ठीक है। उनके पास उनका पहला क्या ख्याल था, उनको पहले सबसे पहले जाके पूछा कि सबको ठीक है, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है? तो उन्होंने कहा जी जिंदा है। उन्होंने कहा मुझे उनसे मिलवाओ। तो ये इस लेवल की ना मैं एक नई बुक लिख रहा हूँ, मतलब इरादा किया है मैंने, इस पर रिसर्च चल रही है मेरी। तो मैं स्टोरिज्म की बात की ना, स्टोरिज्म एक जस्ट एक आइडिया है जो कि ना हर एक लेवल पे आके हर स्पिरिचुअल मजहब, ठीक है ना, और हर एक अच्छी आइडियोलॉजी जिसको प्रेजेंट करती है, ठीक है। स्टोरिज्म को आपने अच्छे तरीके से मार्केट किया, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, आप स्टोरिज्म को समझते हो और पढ़ते हो। एक मैं उस बुक का नाम लिख रहा हूँ मोमिनिज्म, कि कैसे मोमिन को ना मोमिन हैव दैट इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ दे कैन लिव द परफेक्ट लाइफ बिकॉज दे हैव देयर दे आर एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लाइफ। तो मैं सारी बात की ना उसको मजमुआ जो मैं निकालू ना वो ये है कि यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है। यू कैन नॉट लेट योर इमोशंस और वट एवर इट इज वो योर लाइफ, ठीक है ना, योर अनसर्टेनिटी और योर इमोशंस कंट्रोल योर लाइफ। यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे, जब आपके वाले साहब का जनाजा है तो आपने वो इंतजाम करने हैं, जन आपने कोने बैठ के रोना है, ये उसका मकसद। ये उस औरत को क्या हुआ? मुझे औरत थी, उसको क्या हुआ? कुछ नहीं, she lived, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वो मिलने गई ना, फिर उसने कोई बात नहीं की क्या? नहीं मैंने कहा वो मिलने गई तो उसने कोई बात नहीं की। बात की ना, मतलब दैट सेल्फ वाज कि मुझे नहीं फर्क पड़ता हो क्या उनको क्या बताया, मेरे अब्बा जी का, मेरे बेटे का और मेरे मिये का, मुझे बस मेरे रसूल से मिला दो, रसूल से मिल गई तो फिर ठंडा को मिल गई उसको, फिर मैं किसी से निकाह हो गया था मेरे खाते किस हिसाब से। हाँ क्या कह रहे हो? ये जो एटीट्यूड है एक बंदे का, एक सिचुएशन है कि आप आपका तीन बंदे आपकी जिंदगी में मार गए, चले गए वो, ठीक है, फोर्थ हो गए, ठीक है, वो जगह पे उनका तो सफर आखिरी सफर जो शुरू हो गया, ठीक है, अब आप पीछे रह गए, अब आपने रेजिलियंस शो करनी है, तो बंदा इमोशनली वो क्या चीज करे कि बंदा इस मकाम में पहुंच सके? किस मकाम पे? इमोशनली रेजिलियंस होने का। आपने अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो आप मतलब पैदा तो नहीं होता ना इस एबिलिटी के साथ, तो लाइक व्हाट हैपेंड टू यू, यू नो, लाइक व्हाट डिड यू डू टू रियलाइज के मैंने अपने इमोशंस पे काबू करना है? वही बात है ना, मैं बता रहा हूँ कि ना वी ऑफन और हमें आइडियाज इस तरह के आइडियाज बड़े और तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं कि आप 30 days फाइंड योर पर्पस चैलेंज, 30 days ये फाइंड बाय माई बुक, फाइंड योर पैशन, ये तो वो, इस तरह के आपको ना फाइंड योर पर्पस, फाइंड माई पैशन, इस तरह की बातें बड़ी सेल होती है। द रियलिटी इज इट्स जस्ट अ वन थॉट अवे, एक थोड़ा थॉट आप दो ना किसी चीज पे
तो यू आर एक्चुअली यू कैन एक्चुअली चेंज योर होल माइंडसेट विद वन थॉट और वन ऑब्जर्वेशन. फॉर मी इट वाज जस्ट दैट, इट वाज कि मैं वहां पे ना एक छोटी सी बनी हुई थी बेल्कनी टाइप हॉस्पिटल में, स्मोकर्स बेल्कनी थी वो, तो वहां पे मैं खड़ा हो गया, ठीक है ना, बाकी लड़के स्मोकर थे, मैं रोजा था मेरा, तो मैं वहां पे ऐसे खड़ा होकर सोच रहा, तो मैं सोच रहा था ये चीज सोची मैंने यार मतलब ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बाद में जहन में आई, ये फायदा कोई नहीं है, ठीक है ना, इस तरह कोई फायदा नहीं है. अगर आपको लगता है कि इस तरह शायद आप लव दिखा सकते हो अपना, तो नहीं है. हाँ ये जरूर है कि तुम्हें जो इमोशंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, देयर क्या कहते हैं उसको, एब्सोल्युटली रियल. ये नहीं है कि मैं ड्रामे कर रहा हूँ या कोई और ड्रामे कर रहा है, ठीक है ना, ये वी अंडरस्टैंड दैट. कोई ये वीडियो सुन रहा है ना उसको मैं ये बात बता रहा हूँ कि वट एवर यू फील इट्स रियल, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स मतलब इट्स रियल एंड इट्स जेन्युइन. मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशंस गलत है, मैं ये कह रहा हूँ लेकिन आपके इमोशंस को आपने कंट्रोल करना है, ठीक है. और इट्स जस्ट अ थॉट अवे, लिटरली एक थॉट अवे है, ठीक है ना. फिर यू एक्चुअली प्रैक्टिस योर सेल्फ, यू एक्चुअली प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, ठीक है ना. ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से वैसे आप थोड़ा पॉजिटिवली सोचते हो, आप सोचते हो रादर देन लुकिंग ऑन द नेगेटिव, यू स्टार्ट टू थिंक फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव, क्या अल्लाह ने शादी दी है, ठीक है ना, पैसे दिए हैं, अल्लाह करम है. जब अल्लाह करम होता है तो ऑब्वियसली इस तरह एक पूरा प्रोसेस है. बुक में इतनी लंबी वाली बुक लिखी है, उसमें सारा कुछ बताया है. ये जो क्या नाम है, ये जो प्लेइंग द विक्टिम कार्ड है कि मेरे साथ ये हो गया, मैं विक्टिम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अब ऐसे ही चलेगा, अब मेरा मैं यू नो आई कैन डू नथिंग टू मेक द सिचुएशन बेटर, ठीक है. ये अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि ये ऑडियंस जो बुक की ये कौन सी है, टारगेट ऑडियंस बुक की कौन, टारगेट ऑडियंस फ्रॉम 10 टू मेरे ख्याल से 29. ओके यंग, मैं भी सोच रहा था कि आजकल ना वेस्ट में ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, इसमें भी ना बहुत सारा ना विक्टिम हुड शामिल है, ठीक है. और आपकी बुक में पहले चैप्टर में ये 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 है कि यू नो प्लेइंग द विक्टिम इज स्टूपिड बिकॉज इट डजंट यील्ड एनीथिंग, राइट. तो इफ समथिंग बैड हैपेंस देन क्राइंग ओवर इट रियली डजंट मेक एनीथिंग बेटर, सो व्हाई क्राई, ठीक है. उसको मैंने रिलेट किया कि जो वेस्ट में ना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ठीक है, कि हम एक माइनॉरिटी हैं और सोसाइटी में ये रिच एंड पावरफुल बंदे हैं, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, सारा पावर इनके पास है, तो इनसे हम पावर लेंगे, हम रोएंगे धोएंगे तो ये हमको दे देंगे, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे, खुद विक्टिम बैठ के ना, विक्टिम बन के ना तो बैठ जाएंगे. जैसे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर वगैरह के, एग्जाम्स कैंसिल करो, ठीक है, ये जो बच्चे हैं मैट्रिक के 9, 10, 11 के, अब ये इन्होंने एक ट्रेंड चलाया हुआ है कि ट्रेंड नहीं है, एक हैशटैग है कि यू नो हमारी तैयारी नहीं है तो हमारे जो एग्जाम्स हैं वो कैंसिल कर दो, ठीक है, वो अपनी बात ठीक है कि आपकी आपकी तैयारी नहीं, आपको वो टाइम चाहिए, आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे जो क्लासरूम में मिल सकते हैं, आपके पास इंटरनेट एक फारीन इंटरनेट था तो आपकी आप क्लासेस भी नहीं रह सके, 100 वजूहत बन सकती है कि ठीक है मान लिया आपकी तैयारी नहीं थी. और बाय द वे आई एम विद द स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कैंसिल खुद होने चाहिए, लेकिन फर्ज करो कि कैंसिल नहीं होते, ठीक है, और कोई बच्चा है वो जाता है इम्तिहान देता है मैट्रिक का, और पाकिस्तान में तो आपको पता है एक एग्जाम फेल हो गया पूरी जिंदगी फेल, ठीक है. अब वो अगर वो बच्चा फेल कर देगा ना वो एग्जाम, तो वो सोचेगा कि यार मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना था लेकिन शफकत महमूद ने मेरी जिंदगी जो है वो फायर कर दी है, एग्जाम कैंसिल किया, तो अब मैं पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर सकता, मैं विक्टिम हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं करना क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो नाइंसाफी है, वो है इनजस्टिस. सो डू यू अग्री विद दैट, इस तरह के बहुत सारे लोग पैदा होंगे अब ये एग्जाम्स के बाद. बात ये है कि तुमने जो विक्टिम की बात की है ना, ये इतनी सेंसिटिव बात है ना, फॉर सम रीजन, फॉर सम मॉरल सोशल रीजन, ये चीज इतनी सेंसिटिव हो गई है ना कि इस चीज पर कोई बोलने के लिए हिम्मत नहीं करता. क्यों? जो कि विक्टम्स, तुमने तो स्टूडेंट की एग्जाम्पल दी है, बड़ी सेफ एग्जाम्पल दी है तुमने, लेकिन इसकी एग्जाम्पल जाती है थोड़ी और एक्सटेंड पे, और वो जो फिर ये हुआ कि मैंने ना जान पूछ के विक्टम्स को कोट किया उस वाली फलाने विक्टम को बताने के लिए कि जो हो गया है सो हो गया है, ठीक है ना. बार बार उस चीज को रिलीव करना, बार बार उस चीज को करना कि बाबा बहुत बुरा हो गया, मतलब बहुत बुरा हो गया, दैट वुडंट डू यू एनी जस्टिस, ठीक है ना, फॉर योर सेल्फ. लेकिन अब मैं यहाँ पे एक दूंगा अनपॉपुलर ओपिनियन, द रियलिटी इज
कि हमारी हर्ट जो है ना, हमारी जो पेन है वो हमें रिवर्स साइकोलॉजिकल एक प्लेजर देती है. वी फील हर्ड, वी फील रेलिवेंट. ठीक है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर पास्ट और दैट इंसिडेंट वी आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ. व्हाट आई एम सेइंग, ये मैंने बात बुक में भी लिखी है बाय द वे, द लास्ट ऑफ पेन. ठीक है ना, मैं यही लिखे है कि पेन में भी एक खुशी है, पेन में एक मजा है. ठीक है ना, आप चाहते हो कि उससे मूव ऑन करो, बिकॉज यू नो दैट्स द राइट थिंग टू डू, बट आर यू एक्चुअली रेडी टू मूव ऑन? यू आर नॉट रेडी टू मूव ऑन. व्हाई? बिकॉज यू लव इट. मतलब खुद सोचना, आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट टू दिस और नॉट, बट आई एम श्योर काफी लोग रिलेट कर सकेंगे. अक्सर आप पुराना गाना सुनते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो, क्यों सुनते हो? शायरी सुनने के लिए सुनते हो? ऐसे सुनते नहीं हो यार, वही तो है. क्यों करते हो ये आप? इसलिए करते हो बिकॉज यू लव इट. ठीक है ना, रिवर्स साइकोलॉजिकली यू लव इट. ये बड़े मजे का एक ये वो बात आ गई ना, वो साइकिल वाली. ठीक है कि अब अगर एक बंदा हर वक्त खुश है ना, वो खुश नहीं है, वो उसकी बेस्ट स्टेट है. अच्छा. अब बंदा हर वक्त वो गुस्से में है तो वो गुस्से में नहीं है, वो उसकी बेस्ट स्टेट है. ठीक है, अगर आपकी इमोशन साइकिल नहीं ना करते, ठीक है, अभी आप हैप्पी हो, फिर आप सैड हो, फिर आप डिप्रेस्ड हो, फिर उसके बाद आपने रिकवरी की, फिर ये साइकिल चलते रहते चलते रहते चलते रहते. कभी कभी आप गुस्सा भी आएगा, कभी कभी आप काम होंगे, कभी कभी आपको अपनी बिस्ती भी महसूस होगी, कभी आप किसी भी करोगे, ये चीजें एक साइकिल की तरह चलती रहती है. ठीक है, तो कभी कभी ना बंदे को रो लेना भी चाहिए. क्या क्या ख्याल है तुम्हारा? देखो बात है, रोने में कोई मसला नहीं है. ठीक है ना, रोना इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमोशन. और रोए हमारे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मोमेंट भी हुए हैं हमारे, वो मोमेंट. ठीक है ना, जिन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े मशे काटी हैं. ठीक है ना, हर लिहाज से इमाम हुसैन, मोस्टली इमोशंस की बात करते हैं ना हम, उन्होंने पूरा का पूरी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली अपने सामने सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए अल्लाह के लिए. ठीक है, रोते वो भी थे अल्लाह के सामने. रोने का मसला नहीं है सर, मसला ये नहीं है. आप मेरी बात ही समझे, या तुम समझ गए हो? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि द लस्ट ऑफ पेन, तुमने कहा ना लस्ट ऑफ पेन, मैं समझ रहा हूँ कि आपको कुछ हुआ है. ठीक, लस्ट ऑफ पेन, लस्ट ऑफ पेन, द लस्ट ऑफ पेन, कि पेन में भी ना एक लस्ट है, लज्जत है. हाँ ठीक है, दर्द में भी एक लज्जत है. तो बेचारा बनने में बड़ा मजा है. ठीक है, वो ठीक है, वो विक्टिम बनने में वो फिर लोग आते हैं यार. मेरा एक दोस्त है, उसने ना मुझे एक बहुत पहले ना उसने मुझे हाई स्कूल में मुझे बताया था कि कल मैंने वीडियो देखी, डॉक्यूमेंट्री देखी एक बंदे की. उसने अपने बच्चे पे ना, बेबी उसका, ठीक है, उस पर सहारा रख दिया, पिलो दबा दिया. और उससे जब एक्सपोज जब हुआ ना, वो लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसे क्यों किया. कहता है कि क्योंकि मेरा बच्चा जो है वो चला गया, तो लोग मुझे अटेंशन देंगे कि यार एक साल बहुत बुरा हुआ है, तो मेरे पास आएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, ये मुझे फिर आई विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, तो इसलिए मैंने ये किया. सर मैंने आपको सबसे पहले ही तो बोला है रेलेवेंस, और वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस को भी समझाना है ना. अच्छा. you know, कुछ कभी कभी मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ ना, जैसे जो लोग पॉडकास्ट होगी या जो ट्यूशन की होगी, तो वो बातें करते हैं, वो फिर मुझे मैं बात होते मुझे वो बात समझ नहीं आई, तो उसमें अगर ज्यादातर एग्जांपल होते हैं ना, तो वो बता दो. बात ये है, बात ये है कि ना आपकी एक होती है आपकी जिस्मानी नीड, ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान, एक होती है आपकी साइकोलॉजिकल नीड. ठीक है, आपकी साइकोलॉजिकल नीड है एप्रिसिएशन और अप्रूवल या फिर रेलेवेंस. अब जरूरी नहीं है कि बहुत ही कोई बड़े मजमे में लाखों करोड़ों की हो, लेकिन जो सर्कल आपका है ना, एट द एंड ऑफ द डे जो आपका सर्कल है, वहां पे आपकी बात हुई, आपको सुने, आपकी बात करें, एवरीवन वांट्स दैट एट द लेवल.
और ये करने के लिए हम लोग एज अ ह्यूमंस बड़ी बड़ी अजीब बातें करते हैं। हम लोग अक्सर महफिलों में फड़ियां मारते हैं ताकि लोग हमारी सुने और आगे से हमारे हाथ पे हंसे। सिर्फ इसके लिए लोग फड़ियां मारते होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं लिटरली। खैर इसकी बड़ी एक्सटेंड है, हम ये क्यों करते हैं? बिकॉज हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, हमें एज अ ह्यूमन ठीक है ना, हमें चाहिए एक कोई बंदा हमें या वो करे। यार बिलाल तो बड़ा फिट बंदा है यार, बिलाल तो क्या बात है उसकी। बिलाल तू जो तू गल करती है ना कल, आहा हा मजा आ गया होता। मैं कहा बिलाल ने बुक लिखी है वाह। ओह अच्छा, अब इसके इसके अब मैंने रेलेवेंस पे ना मैंने इस पे भी लिखा है द नीड ऑफ वैलिडेशन, मैंने चैप्टर लिखा हुआ है क्योंकि ये बड़ी जरूरी बात है। उस पे हम आएंगे, उसको ना भी छेड़ो, वो मैंने लिखा है उस पे हम आएंगे। तो चलो जल्दी कर लो, पहले करते हैं एंगर की बात। तुमने लिखा है एंड आई कोट, फॉरगिवनेस इज द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पार्ट ऑफ रिवेंज। अच्छा क्यों, ये बताओ मुझे, ये बात समझ नहीं आई बुक में। मैंने वो एंगर वाला जो सेक्शन है पहले चैप्टर में, वो कुछ दो पेजेस के मैंने वो पढ़ा है, मुझे वो समझ नहीं आया। अच्छा like why is it respectable? Forgiving? Yeah, forgiveness. Like, आपने किसी पे रिवेंज लेना है लेकिन आप उसको माफ कर देते हो तो वो ज्यादा एक इज्जतदार काम है। क्यों इज्जतदार काम इसलिए है क्योंकि रिवेंज लेना तो थिंग है, दरअसल उनकी एक हदीस है, मैंने उसमें कोट की हुई है। वो कोट वो ये है, एक दफा ना दो सहाबी जो है ना वो मस्जिद नबी के सेन में कुश्ती लड़ रहे थे देखने के लिए कौन स्ट्रॉन्ग है। तो नबीसलम आए, नबीसलम ने पूछा क्या कर रहे हो, वैसे को पता था क्या कर रहे हैं लेकिन नबीसलम ने पूछ के पूछा क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम कुश्ती लड़ रहे थे। नबीसलम ने क्यों, कहते हमने देखा चाहते हैं मस्जिद से कौन स्ट्रॉन्ग है। नबीसलम ने कहा तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग वो है जो अपने गुस्से पे काबू कर सके। और याद रखना आपका हर एक रिवेंज एट अ पॉइंट और एट अ लेवल ऑफ योर लाइफ इज ड्राइव थ्रू एन एंगर विच इज या आपकी खुद की भी हो सकती है, आपके वालदैन ने इनहेरिटेंस में दी होगी आपको कि भाई फलाना जो लोग है ना वो बहुत बुरे, उन्होंने माफा बहुत बुरा किया था, या फिर आपकी कम्युनिटी पे होगी, आपकी कम्युनिटी को एंगर होगी बिकॉज ऑफ द प्रेशर दे फील फेस। लेकिन ऑल द एंगर एट वन पॉइंट सॉरी ऑल द रिवेंज एट वन पॉइंट is derived through anger or frustration against that someone, that group, that person or that family or whatever. ठीक है? तो respectable इसलिए है क्योंकि बात ये आप बड़े आप तलवार निकाल कर गर्दन उठा सकते हो। इस्लाम में क्या हदीस है, strongest is the one जो अच्छा wrestler नहीं है जो अपने गुस्से पे काबू कर सकता है। इस वजह से मैंने कहा लेकिन कुछ 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 चीजें इस तरह बताइए जो बंदा माफ नहीं कर सकता। कुछ चीजें ठीक है, आपने आप रिवेंज ना लो लेकिन कुछ चीजें इस तरह की बंदा माफ नहीं कर सकता किसी। एग्जांपल दो। वो कैमरन हैरन नहीं, वो जिसने वो टिकटॉक करता था, उसने वो गाड़ी वो चढ़ा दी ठीक है बंदों पे ठीक है। अच्छा जज को एक साइड पे करो, कैमरन को एक साइड पे करो, और वो जिसकी वो बीवी बच्चे जो थे वो फोटो उनको साइड पे करो, जायज नहीं है। अच्छा चलो आगे चलो। तो अमूमन लड़कियां कह रही थी कि नहीं यार 25 साल जो है ना वो कह रहे बहुत ज्यादा है, उसने कौन सा जान के किया है कहना कि मतलब नतीजा क्या निकाल रहे उससे, नतीजा बताओ। मैंने जिया ने कहा ना कि कुछ चीजें होती है जो बंदा माफ नहीं कर सकता ठीक है। अगर किसी ने गाड़ी ले के आपके आपके बीवी बच्चे के ऊपर से मंगा दी है तो माफ करना बहुत मुश्किल है। बात ये है कि ना मैंने एक पहले भी बात कही थी, एक सहाबी का जिक्र किया था मैंने, उनका पूरा वाक्य सुनाऊंगा मैं फॉर ऑब्वियस रीजंस बहुत ओहो सब। अच्छा मैंने एक सहाबी का पहले भी जिक्र किया अपनी वीडियो में ठीक है, मैं उनका पूरा वाक्य दोबारा सुनाऊंगा। लेकिन ना एक सहाबी बाद में हो गए, पहले स्लेव थे कुरैश के, उन्होंने ना हजरत हमजा इब्ने मुतलब जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा और बेस्ट फ्रेंड, उनको शहीद कर दिया जंग में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसको बाद में तौबा कर लिया, नबी सल्लम ने गर्दन नहीं उठाई उसकी, नबी सल्लम ने धक्का मारा कुछ पेड़ मारकर दफा नहीं कर दिया कि दफा हो जाओ यहाँ से। चलो नबी सल्लम ना बहुत रहमतुल्लिल आलमीन है, बहुत बहुत काइंड है, तो नबी सल्लम ने चलो कहा होगा ठीक है जाओ तुम, तुम्हारा हो गया। नबी सल्लम ने क्या कहा, तुम्हारी तौबा माफ है, तुम्हें माफ किया, तुम्हारी तौबा कबूल है। हाँ लेकिन ये है, अब यहाँ पे ना इंसानी फितरत भी आ गई, चूंकि नबी सल्लम भी एक बशर थे एट द एंड ऑफ डे,
सारी फितर लिखा है कि ये है कि तुम ना मेरे सामने ना आया करो बार बार, चूंकि मुझे वो सीन याद आ जाता है। ठीक है, वो वैशी बिन हर्ब, ठीक है, वाशी बिन हर्ब ने जो मारा था, नेजा मार के किया था, और याद पर खत्म नहीं हुई जिंदगी उसकी, वाशी बिन हर्ब की जिंदगी तो खत्म नहीं हुई। वाशी बिन हर्ब ने बाद में मुसलमा बिन कजाब, ठीक है ना, मुसलमा कजाब जो कि द मोस्ट फेमस आउट ऑफ इम्पोस्टर्स था, ठीक है ना, जो नबूवत, ठीक है, उसको थोड़ी नाउजुबिल्ला उसको भी मारा हुआ, ठीक है ना। दैट मीन्स के देख इस तरह की वाक्य, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, तो इसका ना साहब भी उसमें बड़े इमाम असल हुसैन के बड़े वाक्य आते हैं ऐसे कि उन्होंने कहा अच्छा कोई मसला नहीं है, ठीक है, मुझे जेन में नहीं आ रहा यार। हाँ, हजरत अली को तलवार मारी बंदे ने, शहीद कर दिया कूफा की मस्जिद में, उन्होंने कहा कि इसको मारना ना, माफ कर दे, लेकिन अगर इसको मारना हो भी ना तो उसको बस एक जरब से मारना, ज्यादा तांग तुंग ना करना, बस जल्दी से ना खा खत्म करना। तो भाई बात सारी ये है कि ऑफ कोर्स जायज है आप पे, आपको कत्ल लेना, आपको बदला लेना जायज है आप पे, बस इस्लाम में मना नहीं है, लेकिन अगर आप बात करोगे फिर उस लेवल के ईमान की, तो फिर तो भाई माफी इज द मोस्ट रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टेबल रिवेंज। हाँ, बात करते हैं वैलिडेशन की, ठीक है, वैलिडेशन। हाँ जी, व्हाई डू पीपल नीड वैलिडेशन? चलो पहले इसको डिफाइन करते हैं, वैलिडेशन होती क्या, ठीक है, क्योंकि अमूल जो पहले वैलिडेशन होती क्या, जो पहले बात की थी पूरी रेलेवेंस अप्रिसिएशन की, उसी का सिनोनिम कह लो, बाय प्रोडक्ट कह लो, या फिर मेन प्रोडक्ट कह लो, वो है वैलिडेशन। रेलेवेंस की, अप्रिसिएशन की, वैलिडेशन, तीन चार लफ्जों का एक मजमूआ है वैलिडेशन, बस। अच्छा, ठीक है, पहले कर दिया ना पूरी बात, दोबारा करो, मुझे लगा था और बोलोगे। अच्छा, एग्जांपल्स क्या है वैलिडेशन के? आप अम्मी ने खाना बनाया आपकी, ठीक है ना, आपसे पूछते हैं कैसा बना, नमक कम है, नमक ज्यादा है, बेसिक लेवल बता रहा हूँ मैं। यार मेरी अम्मी करती हैं, जब भी कुछ बनाती हैं पूछती हैं कैसा था, मैं कहता अच्छा था, सिर्फ अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था, जिसमें बोलोगे ना बहुत अच्छा था, अच्छा बहुत अच्छा था, इसलिए अच्छा कभी नहीं बना। ओके, लेकिन कुछ एग्जांपल्स होते हैं वैलिडेशन के जो यू नो नॉट गुड फॉर यू, लाइक पीपल बाय थिंग्स, ठीक है, उसकी बड़ी एग्जांपल्स है, मैंने बुक में लिखी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बड़ी वैलिडेशन की बड़ी एग्जांपल्स है। हाँ, लेकिन तुम बात करो, द बेस्ट एग्जांपल इज जैसे हर किसी को पाकिस्तान में आईफोन चाहिए, अच्छा चाहिए, आईफोन इज आईफोन, इट इज ए स्टेटस सिंबल। लोग ये नहीं कहते, कुछ लोग इस तरह के वो कहते हैं, ये नहीं कहते कि मुझे फोन आया, मुझे आईफोन आया है। तुम्हारे पास है आईफोन? मेरे पास ना, नहीं, मेरे पास भी नहीं है, because you want other people to notice you, because you want to be a center of attention, तो आपको लग गया ठीक है ये एक शॉर्टकट है, मैं आईफोन ले लूंगा तो सारे, कल मैं क्लास जब मैं जाऊंगा मैं लोगों को दिखाऊंगा आपके भाई ने आईफोन ले लिया, तो सारे बोलेंगे यार इस बंदे ने आईफोन ले लिया, ये बंदा बेस्ट है, इस बंदे के पास आईफोन है, क्यों? क्योंकि वो आईफोन आपके पास, वो इज्जत आईफोन की, आप ही कुछ नहीं, ठीक है, आपने अगर इज्जत लेनी है तो आप अपने स्किल के नाम है, लाइक डू समथिंग, राइट अ बुक। ये वैलिडेशन की बात तुमने की थी ना, मैंने वैलिडेशन चैप्टर में ये लिखा है कि वैलिडेशन इज अ साइकोलॉजिकल नीड, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी वैलिडेशन बुरी चीज है, ठीक है ना, इट्स जस्ट कि हाउ यू टेक इट। वैलिडेशन, मैं भी वैलिडेशन लेता हूं, वाली बात लेनी है भैया, मैंने साइकोलॉजिकल नीड, मैं बात इस पे एम्फसाइज कर रहा हूं, साइकोलॉजिकल नीड है, जरूरी है, आप वन वे और अनदर लोग जो बदमाशी करते हैं लोग कि मैं जट, मैं मलिक, मैं राजपूत, ठीक है ना, ये क्यों करते हैं अपने लिटरली अपने कास्ट पे, जिस पे से कोई कमाल ही नहीं है, अल्लाह की तरफ से वो पैदा हो गया किसी घर में, उस पे वो उछलते हैं, वो क्यों उछलते हैं, ताकि चार लोगों में उनका नाम बने कि भाई मलिक साहब हमारे पास, मलिक साहब ये, समझ रहे हो बात को, क्यों होता है ये वैलिडेशन? वैलिडेशन हर बंदे को, हर तबके को, हर लेवल पे चाहिए, और विक्टिम माइंडसेट भी एक लेवल का वैलिडेशन है कि भाई आपको लोग ना दे रहे होते हैं, हाँ बेचारा बहुत मजलूम है, बेचारा बहुत मजलूम है, ठीक है ना, हालांकि इस्लाम में तो बेचारा बनने की जरूरत नहीं होती, या आप मुझे फकीर से फकीर भी हो ना, आप बेचारा नहीं बनते, आपको इस्लाम में ऐसी इंटेग्रिटी और डिग्री होती है कि आप नहीं बनते। खैर, बता ही रहा हूं मैं,
कि वैलिडेशन हर बंदे पे जरूरी है। मैंने वैलिडेशन कैसे लेता हूँ, वैलिडेशन लेता हूँ अपनी यूट्यूब वीडियो से, मैं अपनी बुक से और अपने ना काम से। जिस तरह क्रिकेटर क्या लेता है, क्रिकेटर लेता है अच्छी परफॉर्मेंस दे के उसको, ये ऑडियंस नोट करे, अपने काम से, अपने YouTube चैनल से। क्रिकेटर कैसे लेता है वैलिडेशन, क्रिकेटर लेता है अच्छी परफॉर्मेंस देके, जब उसके नाम लिखे जाएंगे कि मैन ऑफ द मैच फलाना, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद करेंगे लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर वो क्या कहेगा, हाँ बस मैंने तो आज पढ़ा क्या किया था, सर क्या वैलिडेशन है। इस तरह की बड़ी एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। तो वैलिडेशन जो है ना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन देन अगेन इन एवरी थिंग इन लाइफ, स्पेशली जो कि ना आपके अंदर की साइकोलॉजी और माइंड सेट थिंग में है, उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, ना कि वो आपको कंट्रोल करे, ठीक है ना। यू नीड टू डू समथिंग, द समथिंग डजंट नीड टू डू यू। कोई चीज आपको ना करे, आप कोई चीज करो, याद रखना है बात। इसका बेहतरीन एग्जांपल ये है ना कि अगर देखो, इन एंड ऑफ इटसेल्फ वैलिडेशन एक बुरी चीज नहीं है, ठीक है। जैसे आपने कहा साइकोलॉजिकल नीड है, अभी आपसे ये भी पूछेंगे कि नीड और वांट में डिफरेंस क्या है, लेकिन उस पर आने से पहले, जैसे अगर आपने काम किया ना, ठीक है, तो उसमें आपकी मेहनत शामिल है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट आए हो, ठीक है, अगर आपने बोर्ड एग्जाम दिए और आप फर्स्ट आए हो, तो वो उसमें आपका उसमें बनता है, उसमें इतराना बनता है, क्योंकि वो आपने अपने आपने काम किया। अगर आपने चीटिंग ना की हो तो, वैसे ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन बहरहाल अगर आपने चीटिंग नहीं की, आपका फर्स्ट नंबर आता है, ठीक है, आपको लोग कहते हैं कि भाई ये देखो इस बंदे ये फर्स्ट आया, वेरी गुड, वैलिडेशन मिल, वो जायज है, क्यों, आपने वो उसमें अपनी मेहनत जो है ना वो डाली है। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं डाली, ठीक है, अगर आपका बीच में सिर्फ ये है कि मैं गया हूँ, मैंने पैसे दिए, मैंने गाड़ी ले ली है, मैं गया हूँ, मैंने पैसे दिए, यार बिल गेट्स जो है ना, उसके वो आज भी कपड़े वो पहनता है जो पहले पहनता था, ठीक है, वो क्या नाम है, शकील ओ'नील वो गया गाड़ी लेने, मर्सिडीज बेंज आपको भी अबू लेके देनी है गाड़ी, अबू को भी लेके दी, अब अबू फिर अम्मी आ गई, फिर अम्मी ने कहा बेटे के पास भी गाड़ी है, अबू के पास भी गाड़ी है, अम्मी की गाड़ी कहाँ है, फिर अम्मी को भी लेके दी, और उसको कॉल आई बैंक से ना कि देखो बहुत सारे लोग हैं, उनके पास जब पैसा आता है ना तो वो चीजें खरीदने लग पड़ते हैं, क्यों, ताकि लोग देखेंगे इतराएंगे, ठीक है। आप देयर इज अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ पीपल के जब उनकी आखिरी उम्र आ जाती है उनके पास कुछ रहता नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने इतना कुछ लाया कर लिया होता है। तो जस्ट फॉर वैलिडेशन डू नॉट बाय थिंग्स, rather do some work, start a YouTube channel, make a podcast, make a cup of tea, ठीक है, चाय का कप बनाओ, लोगों को पिलाओ, लोग बोलेंगे यार बड़ी अच्छी चाय है, यार मैं चाय बनाता हूँ ना, गंदी चाय बनती है, फेटे मुंह, मेरा भाई बनाता है ना, मेरी अम्मी, हाय हाय अम्मी, अम्मी मतलब क्या करते हैं, अम्मी करती है यार, जितने चाय की गल ही हो, उस वक्त होता ना गुस्सा आता है ना, फिर मैं कहता हूँ मैं भी अच्छी चाय बनाऊँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ मैं बनाई हर वक्त मैं ही बनाऊंगा, वो भी एक सेपरेट इशू है। तो इफ यू वांट वैलिडेशन, क्रक्स ये है कि इफ यू वांट वैलिडेशन देन सीक इट थ्रू योर ओन मीन्स, डू समथिंग टू गेट इट, डोंट बाय थिंग्स, ठीक है ना, ये थी क्रक्स ऑफ द वैलिडेशन। सो लेट्स मूव ऑन, वैलिडेशन इज ए डिजायर, ठीक है, आपकी बुक में डिजायर भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मेरे बुक के तीन, अगर आप मेन आइडियाज पूछो ना और मैं दो मिनट में अगर बुक को समराइज करूं, तो ये है कि भाई आपके माइंडसेट और आपके इमोशंस को आप कंट्रोल करते हो, नंबर वन। दूसरी बात ये है कि हर चीज अगर आप उसको गलत तरीके से यूज करोगे, या फिर उसको गलत तरीके से, या फिर एक्सेसिवली यूज करोगे, ठीक है ना, या फिर उसको एक्सेसिवली उसको प्रीच करोगे, तो वो आपके लिए हार्मफुल है। तीसरी चीज ये है कि कॉन्स्टेंट चेजिंग ऑफ एनीथिंग एक यार एक्सेप्शन निकल सकती है, जो कि रूल ऑफ एक्सेप्शन एग्जिस्ट, शायद, ठीक है ना, शायद वो स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ हो,
ठीक है, लेकिन कॉन्स्टेंट चेंजिंग ऑफ एनी थिंग मेक्स द हार्ट वेकेंट फ्रॉम इन साइड. ये तीन बेसिक आइडियाज हैं. ये तीन बुक, इन तीन आइडियाज को डिफरेंट जिंदगी के एस्पेक्ट्स पे मैंने अप्लाई करके पूरी एक बुक लिखी है, नाम द सर्टेन अनसर्टेन. और वो भी इसलिए है कि बिकम सर्टेन विद वट एवर यू हैव टू डील विद द अनसर्टेनिटी अराउंड एंड इन साइड. बस, और शुरू कहां से करना है, चूंकि सबसे बड़ी सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी यहाँ पे है. दुनिया फिर एक लेवल प्रिडिक्टेबल है, ये नहीं प्रिडिक्टेबल. तो यहाँ स्टार्ट करना है, फिर इंशाल्लाह आगे जाना है. दैट्स द 2 मिनट की समरी ऑफ माय बुक. अच्छा, जो डिजायर है आपने मेंशन किया, हाँ, देयर इज एन इनफिनिट साइकिल ऑफ डिजायर. ठीक है, मतलब कि आप चीजों को चाहते हो, हाँ, वो आपको मिलती है. सही है, आपने दोस्त को एक आदत तक खेल लिया उसके साथ. अब आप कहते हो अब दो एक हफ्ता बहुत ज्यादा कह रहे हो, बहुत ज्यादा कह रहे हो दो एक हफ्ता. हाँ, वो फिर बंद चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वो कोई पूरा नहीं होता. ठीक है, इट्स लाइक एन एडिक्शन. एडिक्शन इज एन एडिक्शन इज अ डिजायर सेल्फ. एडिक्शन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ डिजायर, राइट? लाइक जैसे मैं एडिक्ट हूँ कॉफी का या चाय का. I always need caffeine. मेरे पास कैफीन ना होना तो I cannot function. तो बात यह है कि you know what are our desires? Where do we get our desires from? You know why do we desire what we desire? ये बता. Why do we desire what we desire? We desire everything and anything that makes us validated. ठीक है, in our circle. And in our community, ठीक है, whatever that it may be a shoe, ठीक है ना, या it may be anything, a car, a girl, whatever it is, you run after it, you try to chase it, ठीक है. मजे की बात भी हमें लगता है कि शायद चेज कर लेंगे तो कुछ बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन जैसे आप चेज करते हो literally डे बाद आपका अगली चीज पर फोकस करते हो. हाँ ये है, लेकिन ये भी आ जाना फिर है. ठीक है, तो डिजायर है नो वाई यू डिजायर. यू डिजायर क्या, व्हाट यू डिजायर, तो कोई आंसर नहीं है. व्हाई डू यू डिजायर का सिंपल सा आंसर है, जो कि आपको एक वैलिडेशन प्रूव करनी होती है. ठीक है ना, ये अक्सर लोग कहते हैं कि डू व्हाट योर हार्ट सेज. मैंने ये बुक में लिखा है, डू व्हाट योर हार्ट सेज. ठीक है ना, द थिंग इज द हार्ट सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स. दिल बहुत कुछ कहता है. अगर दिल की बातें सुनना शुरू हो गए ना, फिर बस बैठे रहो आप, क्योंकि सारी ख्वाहिशात शुरू ही दिल से होती है. ठीक है ना, और and freedom is not what you own, freedom is what does not own you. ठीक है ना, मतलब के freedom वो नहीं है कि आप क्या own करते हो, freedom ये है कि आप कुछ भी ना own करें. ठीक है ना, आपको दिमाग में किसी चीज की ख्वाहिश ना हो. हाँ, चीज आपको आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह करम है, क्योंकि अल्लाह ने रख दिया, अल्लाह के उसके तरह दे इस्तेमाल करके अच्छी जगह पर यूज कर लिया, अल्लाह का शुक्र है. अगर नहीं है कोई मसला नहीं है. समझ रहे बात. Okay, let's move on to human potential. अच्छा, मेरे पास एक बात है जो मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूँ. मुझे जो लगता है वो लगता है कि इसमें ना सफरिंग का ना एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है. पोटेंशियल, हर बंदे में एक पोटेंशियल होती है, उसको अनलॉक बंदा सफरिंग के थ्रू करता है. सही है. तो बट फर्स्ट विल गो टू यू, व्हाट डज, व्हाट डू यू से अबाउट सफरिंग? No, about potential, human potential. Human potential, I think, is, main jis context mein likha hai, book mein wo ye likha hua hai ki human potential isn't a measurable unit. Theek hai na, you cannot test, you cannot accumulate, or you cannot derive a result. Ya fir itne number dunga, itne points, itne grades de sakta hu main saale bande ko uske potential pe, like we do in our schools, our education system as well as our corporate system. के बंदे को दिया होता कि भाई ये इसमें वो है और इसमें नहीं है, वो स्पार्क और ये तो वो. तो मैंने इस सेंस में लिखी हुआ कि ह्यूमन पोटेंशियल इज नॉट अ मेजरेबल यूनिट. यू कैन नॉट मेजर ह्यूमन पोटेंशियल थ्रू एनी सिस्टमैटिक और ह्यूमन मेड टेस्ट और एग्जामिनेशन और पैटर्न्स. ठीक है, क्योंकि एट सम अनदर पॉइंट एक चीज दूसरे एक बंदे के लिए फेवरेबल होगी, ठीक है, और एक बंदे के लिए अनफेवरेबल होगी. तो इस तरीके से ये टेस्ट सारे फ्लॉलेस निकल सकते हैं, और कोई भी टेस्ट और कोई भी चीज जो है ना वो ह्यूमन पोटेंशियल को डिस्कवर नहीं कर सकती.
तो कभी भी अगर आपको इस चीज से ना लिमिट ना करना है कि भाई मैं चूंकि फलाने टेस्ट में अच्छा नहीं था या फलाने एक क्राइटेरिया में नहीं पूरा बैठा, तो शायद मैं मेरे पोटेंशियल जो है लिमिट है और मैं शायद अल्लाह ताला ने गलती कर दी मुझे बना के नाउज़ बिल्ला। ये मेरा था इस से, चैप्टर से। बाकी जाने बात सफरिंग की है, जाने बात सफरिंग की है, सफरिंग इज अ वेरी कैरेक्टर डिस्गाइज इन पेन। सफरिंग जो है ना बंदे को एक्सपोज कर देती है। सफरिंग एक ऐसा फर्क करने वाला रास्ता है अल्लाह की तरफ से। जब आप सफर में आते हो ना, जब आप पेन में आते हो, तब आप अल्लाह के स्पिरिचुअली आप एक्सपोज हो जाते हो। या तो आप जेन्युइन आपकी पेन में आपका सही ट्रू बेस्ट सेल्फ निकलती है, या फिर आपकी एक ना क्या कहते हैं कंप्लेन करने वाली, एक्सक्यूज बनाने वाली और एक ना बड़ी उस तरीके की वर्जन निकलता है। तो सफरिंग इज दैट यू नो दैट टेस्ट, दैट लिटमस टेस्ट, जिससे आप निकलते हो तो आप अल्लाह का अच्छा भाई मेरा मेरी औकात क्या है, एज अ ह्यूमन बीइंग मेरी औकात क्या है कि मैं इससे निकला हूँ, चाहे वो बेटे की डेथ हो या व्हाटएवर इट इज, मैं खड़ा हो पाया हूँ, हो गया हूँ। मैं बहाने बना रहा हूँ कि मुझसे वो हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, मुझे बहुत दर्द होती है, मेरे साथ वो हुआ था, ठीक है ना। मैं हाँ मेरे साथ वो हुआ था, तो पता है मेरे साथ वो हुआ था, तो पता है ना। हाँ यार उसकी वजह से ना मेरा काम खराब हो गया, कोरोना आ गया था ना, कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से ना यार ये हो गया। कोरोना होता ना अगर तो दुनिया फतह कर लेता, मैं कोरोना की वजह से हो गया। तो ये यार वो मेरा दोस्त है, उसको कोरोना हो गया, उसकी उसकी बहुत बहुत अटैक आ जाता होगा। अल्लाह अल्लाह की आजमाइश जो है ना, अल्लाह की आजमाइश बात करनी है, अल्लाह की आजमाइश ना बंदे को एक्सपोज कर देती है। और अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई एक्सपोज के लिए, ताकि ना दूध का दूध और पानी का पानी, अल्लाह को तो पता है कौन कौन क्या क्या है, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए दूध और दूध पानी पानी करने के लिए दुनिया बनाई है कि भाई तुम्हारा तो बाद में तुम्हारे पास कोई जवाब ना रहे आखिर के दिन तुम्हारे पास कोई जवाब ना रहे कि अल्लाह आपने तो मुझे देखा ही नहीं, मैं तो बड़ा बेहतरीन था, अल्लाह तुम्हारे ये सारे माल, तुम्हारा पानी, तुम्हारा दूध, ये लो। यार वो कसम से मुझे कल ना मैं कल परसों अपने दोस्त से बात कर रहा था कि उसने मुझे पूछा कि यार अल्लाह ने पैदा किया है, ठीक है, अल्लाह इज ऑमनिशंट, ठीक है, ऑमनिपोटेंट, अल्लाह को पता है कि ये बंदा पैदा होगा, इसने क्या करना है, इसका मकाम कहाँ होगा, ये नज़ में होगा या दौलत में होगा, तो पैदा करके इसे डाल तो नहीं देता कि बीज में जो ये जो ये जो दुनिया का ये बनाया हुआ है, इसका क्या पर्पस है? बहुत तलख सवाल है। कहा कि अगर तुम पैदा हो, ठीक है, और तुम्हें डाल दे दोजख में एकदम से, तुमने तो फिर कह देना कि यार मैंने क्या किया, मतलब तुम बोलेगा नहीं मुझे पता तुमने क्या करना है, तो इसलिए तुम्हारा ये मकाम है, तो बंदा कहेगा यार मुझे एक चांस तो दो ना, मैं प्रूव तो कर सकूं ना। इसलिए ये आई एग्री विद यू कि दुनिया जो है ये बंदे को एक्सपोज करती है, पता ही चलता है कि यू आर टेस्टेड। अब देखो सबसे ज्यादा सफर किसने किया है, अंबिया ने, सबसे ज्यादा, ठीक है, अंबिया ने सबसे ज्यादा सफर किया है, उसके बाद उन जैसों ने सफर किया है जो उन जैसे थे, फिर सबसे ज्यादा किसने किया है जो उन जैसे थे। और ये भी हमको पता है कि the best of men are the messengers and then those that are like them and then those that are like them and then those that are like them। तो आप इस लड़ी में कहां तक आप आते हो, ये आपकी और आपकी सफरिंग जो है ना ये आपको बता देगी। तो हैशटैग में यू ऑल सफर। The thing is, इस समय बड़ी प्यारी बात है, एक दफा ना मुझे एक बंदी कहती क्या मैं, खैर ये अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मेरा क्या वो है, ठीक है ना, मेरा मैं क्या बड़ा हीरो बनता हूँ, मैं तो अल्लाह तला के पास जाता ही, मुझे अल्लाह तला याद ही तब आते हैं जब अल्लाह मुझे पे कोई बुरा वक्त आता है। तो बड़े प्यारी मैं मुझसे बात निकल गई अल्लाह की तरफ से, मैंने कहा कि ना तुम्हारा तुम्हारे पे आजमाइश आना और उसके बाद तुम अल्लाह के पास जाना वो नहीं है, सॉरी मैं खुदा रिपीट करूंगा बाद में कटिंग करूंगा इसको मैं, हाँ तुम्हारा गेम ये नहीं है कि तुम क्या कहते हैं आजमाइश के बाद अल्लाह के पास गए, गेम ये है कि तुम्हें आजमाइश थी तब तुम महबूब थे तभी तुम्हारे पे आजमाइश आई, ठीक है ना। तो इस तुमने पिक्चर उल्टी पकड़ी हुई है, तुम्हारे तुम महबूब थे तभी तुम्हारे पे आजमाइश आई, तुम्हें दोबारा अल्लाह ताला ने बुलाया वरना तुम्हें ना बुलाता। तो ये बात है। ओके लेट्स मूव ऑन टू बैलेंस।
Life is about balance. You mentioned in your book के तुम्हारे शहर में बहुत सारे राइट विंगर्स हैं, बहुत सारे लेफ्ट विंगर्स हैं, और तुम सेंट्रिस्ट हो, ठीक है? तो देयर इज बैलेंस, राइट? सो यू कैन सी बोथ साइड्स, यू कैन सी द राइट एंड यू कैन सी द लेफ्ट. सीम से मुराद उनके व्यू पॉइंट्स, ठीक है, वो दुनिया को किस तरह परसीव करते हैं, ठीक है? अब ये आती है चीज बैलेंस के साथ, ठीक है? जो बंदा अपनी आइडियोलॉजी में इतना गया गुजरा हो जाता ना कि वो पूरा लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट बन जाता है या एक्सट्रीम राइट, तो वो बंदे हो जाते हैं ब्लाइंड. सी, सो इन ऑर्डर टू परसीव दुनिया इन द बेस्ट वे एंड इन मल्टीपल वेज, टू सी दुनिया थ्रू अदर पीपल्स आईज इन अ लॉट ऑफ वेज, यू नीड बैलेंस, राइट? So you need balance in everything. आप कम खाओगे, आप पतले हो जाओगे, ज्यादा खाओगे मोटे हो जाओगे. समझ आ गई? हैं? ठीक है. हाँ, तो so explain your how do you balance your life? What do I mean by balance is अल्लाह की तरफ से मेरी जिंदगी बड़ी balanced है. मैं जब आता हूँ ना मस्जिद वगैरह में, तो वो लोग मुझे अपना समझते हैं. मैं जाता हूँ अपने ए लेवल्स के बॉयज वगैरह के साथ, तो वो लोग मुझे अपना समझते हैं, ठीक है? तो मैं दोनों स्टैंड पॉइंट ले सकता हूँ. लेकिन तुमने बात की है ना कि एक्सट्रीम में बंदा ब्लाइंड हो जाता है, तो ब्लाइंड होना इज नॉट अ बैड थिंग. लेकिन देन अगेन बात यह है कि किस सेंस में, वही मैं उससे पहले जो बात आ जाती है कि नथिंग इज बैड इन द वर्ल्ड अनटिल नेस हाउ यू यूज इट, ठीक है? हाउ यू परसीव इट, हाउ यू यूज इट. तो सारी बात यह है, और माशाल्लाह से दो डेढ़ घंटे का हो गया ये सेशन. खैर, सारी बात ये डेढ़ घंटा हो गया, मुझे लगा था अभी कोई 45 मिनट होंगे. ओह, डेढ़ घंटा हो गया सर. अच्छा, खैर, गेम ये है. इसके बाद मैं जाता हूं 11:30 बजे एक और पॉडकास्ट है एक बंद भाई के साथ, तो इसलिए ना थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं मैं रिफ्रेश भी हो जाऊं. खैर, कोई मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं. खैर, तो द थिंग इज के बैलेंस लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? बिकॉज आपको जो मैंने जो बात की है, सारी बात कर दी है तुमने एक तरह से, कि आपको ना दोनों तरीके से नजर आता है कि भाई आपको बड़े अच्छे स्टैंड पॉइंट से दुनिया नजर आ रही होती है, ठीक है? आपको दुनिया की फंक्शनिंग नजर आ रही होती है कि वो लोग कहाँ पे करप्ट हो रहे हैं या फिर ब्लाइंड हो रहे हैं, और वो लोग कहाँ पे ब्लाइंड हो रहे हैं, ठीक है ना? और आप एक बड़े सही तरीके से जी रहे होते जिंदगी. बाकी बैलेंस का ये भी एक मतलब है रूहानी तौर पर देखा जाए तो, वाला सर इन्ना इंसान लफीक हो सर इल्ला लज़ीना आमनु व आमिनु सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, के तुम जो है ना दुनिया में घुसो, अल्लाह कहता है कि इंसानियत खसारे में है सवाए उनके जो कि नेक है, मफहूम बता रहा हूँ, नेक है और दूसरों को हिदायत की वो देते हैं, एडवाइस करते हैं, ठीक है? आप हिदायत की वो करते ही तब वो, ठीक है ना? ये आप ये मोहिने फर्ज है बाय द वे. अब हर वो बंदा, मैं शक नहीं करूंगा, ठीक है ना, लेकिन वो बंदा सेल्फिश है, ठीक है ना, जो कि गारों में गुफाओं में रातों को जा जाके अपनी इबादतें कर रहा है, लेकिन कम्युनिटी को ये सर्व कर रहा, कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए हिस्सा ले रहा, ठीक है? तो इट्स अबाउट बैलेंस. बाकी इस बात को मैं बड़े पर्सपेक्टिव से बड़ी जगह पर लेके आ सकता हूँ, और आप लोग आपको समझ भी आ गई होगी, बहुत मुश्किल बात है नहीं है, उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. ये बैलेंस वाला कांसेप्ट है, इस पे भी एक ना बहुत लंबी पॉडकास्ट बन सकती है, वो भी खैर करेंगे. पॉडकास्ट तो बड़ा टॉपिक बन सकती है, बुक मेरी बुक के बड़ा टॉपिक है, एक एक टॉपिक पे पूरा पॉडकास्ट बन सकता है. हां, चलो अब रैप अप करते हैं. तो देखो लोग, देखो दुनिया में ना बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है. अच्छा, अनसर्टेनिटी है, ठीक है? आपने अपने इमोशंस कंट्रोल करके, ठीक है, अपनी इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करके सिचुएशंस के साथ रिएक्ट किस तरह करना,
ठीक है, और ये एक सर्टेनिटी है। अगर आपको ये सर्टेनिटी आ जाती है तो फिर एवरी अनसर्टेनिटी यू कैन टर्न इनटू सर्टेनिटी, ठीक है। आपको चीजें फेस करने का जो है वो आपको जो है वो एक की वो मिल जाएगी, और अगर आपने वो अगर आपको वो की चाहिए तो आप ये बुक है ये अमेजोन पे द सर्टेन इन अनसर्टेन रिटन बाय आवर होस्ट मोहम्मद बिलाल अली। अच्छा इसका फुल नाम ये है द सर्टेन इन अनसर्टेन कोड टू कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये एक बहुत क्या नाम है जिसमें कितने कितने चैप्टर्स हैं यार इसमें, तो और ये एक लंबी रीड नहीं है, इसमें देखो ना इसमें है 171 पेजेस, लेकिन इसका जो फॉन्ट है वो बहुत बड़ा है, तो आप मतलब यू नो इफ यू रीड वन चैप्टर अ डे आपको आधा घंटा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह आप ये बुक जो है ना इसका कर लोगे खात्मा बड़ी इजी से। क्या बड़ा अच्छा प्यारा सा कवर है, तो प्लीज हमारे जो लोकल जो हैं बंदे पाकिस्तानी उनको सपोर्ट करो, अमेज़न पर जाके इसको खरीदो, अगर आपने नहीं भी खरीदनी फिर भी खरीदो। any last remarks from you, जो कि तुम रीडर हो, मैं तो ऑथर के थ्रू बड़ी बातें एक्सप्लेन कर ली, अब आपकी बारी है सर, आप ऐसा रीडर क्या पसंद आया ये बता दे ताकि मुझे थोड़ा सा वैलिडेशन मिले, मुझे थोड़ा सा मजा आ जाए, मैं डोपामाइन मिले। जो जो चीज मुझे अच्छी लगी ना वो मैं बता दे रहा हूँ कैमरा पे, ठीक है। जो चीज मुझे बुरी लगी ना वो मैं बाद में ना आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा, अगर आप उसको कैमरे पे डालना हो तो कर लेना, ठीक है। अच्छा बात ये है कि ये जो बुक है ना इसकी एक अच्छी बात, इसका कवर अच्छा है, ठीक है। हमारे जो नॉवल्स होती है ना ये बांधो कुछिया की वो राजा गिद्ध कवर है, बहुत टिपिकल पीला सा कवर है, ठीक है, लाल ग्रीन वो यार बंदे की आदी होती है डिसीजन बुक पढ़ने की, वो कवर भी होती है आदी से ज्यादा, कि कवर अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। जो चीज आपको आपके आप उसका आपको मुंह ही नहीं पसंद आप पढ़ोगे की। दूसरी बात ये है कि इट्स अ वेरी इजी रीड, कभी कभी ना बंदा कहता है कि जैसे ये होती है साइकोलॉजिस्ट की उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है वो बड़े बड़े लफ्ज होते हैं, इतने वो ओके ओके सिंपल बातें बड़े बड़े होते हैं, बातें अच्छे थे लेकिन बहुत बड़े, इसमें वो बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन छोटे छोटे लफ्ज़ों में, बड़ी बड़े बुक्स में छोटे छोटे लफ्ज़, ओके बात जो है ना वो बंदा अक्स कर लेता है। लेकिन जो है ना बात जो मुझे नहीं पसंद आई वो ये है कि इस बुक में इतने कोई ग्रामेटिकल एरर्स है ना कि ग्रामेटिकल एरर्स मतलब के वो जो पैराग्राफ शुरू होता है उसका जो वो शुरू होता है वी से, वो जो वी है वो जो डब्ल्यू है वो दूसरी लाइन पे है, पहली लाइन बनी है, ठीक है। तो ग्रामेटिकल नहीं प्रिंटिंग एरर कह सकते उस तरह के ना, तो ये जिसने भी प्रिंट किया ना बुलाया उसको यार वो उनको बताना कि आपने ये नहीं किया अच्छा नहीं किया, तो बाकी जो बुक है ना जो टिप टॉप है फिट फाट है। अगली बुक कौन सी रीड करें फिर है? क्या हुआ माइक आवाज नहीं आ रही, माइक कट गया मेरा क्या अगली बुक कौन सी रीड करे अगली अगली मेरा ख्याल है कुछ करते हैं कुछ ना कुछ देखते हैं कोई बुक जो पाकिस्तानी वहां जो या ऐसा काम करो लोगों को पूछो बुक कौन सी पढ़नी है कमेंट्स में बताओ कौन सी पढ़नी है, हम एक लिस्ट बना लेंगे देखेंगे अगर हमने अगर हमको अच्छी लगी कि नहीं तो वो भी हम कर लेंगे, नहीं तो हम अपनी एक कोऑर्डिनेट कर लेंगे कोई बुक, ठीक है। आप भी ढूंढना मैं भी ढूंढता हूँ और फिर हम इंशाल्लाह तो पढ़नी है तो पढ़नी है एक कौन सी 21 लेसंस फॉर 21st सेंचुरी, चलो उसको मुझे नाम भेज देना इंस्टाग्राम पे मैं वो कर दूंगा देखूंगा। ठीक है चलो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर अ डिटेल सेशन, आई होप लोगों को बड़ा कुछ मिल रहा होगा इससे, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा महसूस हुआ जो है ना मैंने कभी इतने थॉर्डली अपने आइडियाज बुक के नहीं शेयर किए थे, एंड इस एक वीडियो से ना बड़े आराम से 5-6 क्लिप्स निकल सकती हैं। अब मैं सोचूंगा कौन सी निकालनी है कब निकालनी है, सुस्ती ना मुझे ना हुई तो सुस्ती मुझे अगर ना हुई ठीक है ना तो मैं इससे ही बड़ी आज ये निकालूंगा और वो इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा। अच्छा, और हाँ इंस्टाग्राम पे ऑडियंस को वो अपना अपना लिंक किसी ने डिस्क्रिप्शन बिलो फॉलो बिलाल ऑन इंस्टाग्राम
You can DM him. He will answer you. He's a very approachable individual. So, thank you. I think we made a good progress. Yes. Okay.